सो हे गाइस, दिस इज ध्रुव गोयल द अकूस्टिक बनिया। एंड यार, आज का हमारा गिटार लेसन इज एक तरफा बाय दर्शन रावल। तो आज ही ये रिलीज हुआ हुआ गाना, आज ही अपलोड कर रहा हूँ मैं इसका गिटार लेसन। तो बहुत ही सिंपल तरीके से इस गाने को तुम्हें गिटार पे प्ले करना सिखाऊंगा मैं, कि कैसे ईजी स्टेप्स में बिगिनर्स के लिए भी, सबके लिए एक बहुत ही ईजी ये गाना रहने वाला है, ठीक है। तो पहले इसका थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट तुम्हें गा के दिखाऊंगा, देन इसकी कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग तुम्हें बताऊंगा, एंड फाइनली गाना लाइन बाय लाइन स्टार्टिंग से लेकर एंड तक तुम्हें पूरा का पूरा बताने वाला हूँ। सो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखना, ताकि तुम्हें ये गाना एक तरफा बाय दर्शन रावल बहुत ही ईजी तरीके से तुम्हें पूरा गाना गिटार पर लर्न हो जाए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्ट्रेट इन टू द वीडियो। तो यार, गाना शुरू होने से पहले एक्चुअली तुम्हें बता दूं कि गाना एकदम नया नया, तो मेरे को इसके लिरिक्स में काफ़ी, मतलब लिरिक्स अभी याद नहीं हुआ है, तो मेरे को थोड़ा सा लिरिक्स का अपना सपोर्ट साथ साथ लेके चलना पड़ेगा। तो अभी एक छोटा सा एक्सट्रैक्ट तुम्हें सुनाता हूँ इसका। आँखियों से दरिया बह गया है, ख्वाब वो अधूरा रह गया, जग भी पराया हो गया, यार हमारा एक्सट्रैक्ट कुछ ऐसा ही था, एक बहुत ही छोटा सा पार्ट। वेल, मैं अभी तुम्हें दिखा पाया बिकॉज इसके आगे का पार्ट काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो उसको पिक करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी मेरे को, तो उसके दो तीन कट्स मेरे को जैसे लेने पड़े, बट जैसे जैसे मैंने थोड़ा बहुत गा के देखा है वो, एंड उसको मैंने अपना पूरा जो है इंस्टा हैंडल पर डाला है नीचे, तो वो यहाँ पर मैंशन कर रखा है मैंने, यहाँ पर आ रहा होगा वो इंस्टा हैंडल मेरा, तो वहाँ पर भी जाके तुम इसका चेक कर सकते हो, एंड मेरे को प्लीज़ वहाँ पर भी सपोर्ट ज़रूर करना, वहाँ पर देखना ज़रूर, वहाँ पर सुनना ज़रूर इसको। तो दैट्स ऑल फॉर द सॉन्ग। अब इसके आगे दिखाता हूँ तुम्हें कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग, तो उस पर नजर डाल लेते हैं। ओके, सो गाइस, नाउ कमिंग टू द कॉर्ड्स एंड स्ट्रमिंग पार्ट। तो यार, सबसे पहले हमारी जो गाना है वो हमारा आता है एफ़ मेजर के स्केल में। तो अभी हमारी कॉर्ड्स क्या रहेंगी, एफ़ मेजर की सबसे कॉमन कॉर्ड्स जो हैं वही चार कॉर्ड्स इस गाने के अंदर यूज हो रही हैं, विच आर एफ़ मेजर। ओके, सेकेंड कॉर्ड इज ए शार्प, थर्ड वन इज सी मेजर, एंड फोर्थ वन इज डी माइनर। तो ये चार कॉर्ड्स हमारी इस गाने के अंदर यूज़ हो रही हैं। वेल, डायग्राम मैं यहाँ पे ऊपर तुम्हें दे ही चुका हूँ, और अगर तुम्हें यहाँ से नहीं समझ आ रहा तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर तुम एक लिंक को चेक कर सकते हो, वहाँ पर भी मैंने इन कॉर्ड्स को अच्छी तरह से सिखाया हुआ है स्टेप बाय स्टेप। तो दैट्स ऑल फॉर द कॉर्ड्स। अब स्ट्रमिंग बताता हूँ यार, स्ट्रमिंग ना इसमें क्या है, गाना तुम देखो ना, कहीं पे स्लो रहा है, कहीं पे एकदम से हाई पार्ट वो जा रहा है, मोहब्बत हो गई थी दोनों को, तो वहाँ पर जो है ना हमारा, मतलब गाने के अंदर कभी स्लो कभी फास्ट, एकदम से जो है थोड़ा सा मूड के हिसाब से हमें टेम्पो को लेके जाना, सॉरी मूड के हिसाब से हमें स्ट्रमिंग को लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। तो स्ट्रमिंग बेसिकली इसकी चलती है डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन, कैसे मोहब्बत हो गई थी दोनों को एक रसा हो गया, आए इश्क था दो तरफा एक तरफा। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन, ठीक है। अब इसके बाद यही पार्ट हमारा, यही सेम लिरिक्स हमारी थोड़ा सा म्यूज़िक के बाद एक और बार रिपीट होती है, तो वहाँ पर हल्का सा स्ट्रमिंग पैटर्न चेंज हो जाता है। तो गाने के अंदर ना यार हमारा कोई फिक्स स्ट्रमिंग पैटर्न नहीं है, जैसा बाकी में होता है कि एक स्ट्रमिंग पैटर्न या दो स्ट्रमिंग पैटर्न्स पूरे गाने में चल रहे हैं, कहीं पर इसमें डाउन स्ट्रोक्स आएंगी, कहीं पर थोड़े से चेंजेस आएंगे, कहीं पर लाइट स्ट्रमिंग आएगी, तो वो साथ साथ तुम्हें मैं गाने के अंदर बताता रहूँगा। तो अब बढ़ते हैं इसके गाने की तरफ। ओके, सो गाइस, नाउ कमिंग टू दी सॉन्ग पार्ट। तो यार हमारा शुरुआत का मैं, मतलब तुम्हें ऑलरेडी बता चुका कि स्ट्रमिंग का थोड़ा बहुत पार्ट मैं तुम्हें गाने के बीच बीच में बताता रहूँगा कि कहाँ कहाँ पे चेंज हो रही है, और थोड़ा सा तुम्हें इस मूड के हिसाब से इस गाने में स्ट्रमिंग को जो है अपना मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो हमारा शुरू होता है एफ ए शार्प एफ सी, कैसे, अब इसको यूज़ कैसे करना है इन चार कॉर्ड्स को हमें। आँखियों से दरिया बह गया है, ये सारा हमारा है एफ ए शार्प। देन नेक्स्ट लाइन, ख्वाब वो अधूरा रह गया, एफ सी, ठीक है। देन इसके बाद ही हमारा रिपीट होगा एफ ए शार्प एफ सी, कैसे, जग भी पराया हो गया है, जुदा तेरा साया हो गया, एफ ए सॉरी एफ ए शार्प एफ सी, ठीक है। तो इनको हमने दो दो लाइंस में दो बार यूज कर लिया। देन इसके बाद हमारा आया, तेरी दुनिया मुझे अब ना गवारा है,
तो इस लाइन में हमारा क्या हुआ, एफ ए शार्प एंड सी, कैसे, तेरी दुनिया मुझे अब नागवारा है, ठीक है। देन इसके बाद ये लाइन रिपीट, पर तू हज़िर है बस ये सहारा है। यहाँ पर है करने के बाद एक बार चेक कर देना, थोड़ा अच्छा लगता है, मतलब प्रेजेंटिंग लगता है, थोड़ा डिसेंट लगता है प्ले करने में। तो एफ ए शार्प एंड सी को हमने नेक्स्ट दो लाइंस के अंदर यूज करा, कैसे, तेरी दुनिया मुझे अब ना गवारा है, पर तू एफ बस ए शब्द सारा है सी, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आता है कोरस, जो कि हाई पार्ट है, जिसको मैं थोड़ा सा गाने में मुश्किल पड़ रहा था मेरे को, कैसे, मोहब्बत हो गई थी दोनों को, ये वाला पार्ट हमारी पूरी लाइन आई एफ मेजर पे। देन एक अरसा हो गया, ये वाला एक अरसा हो गया, ये चार वर्ड्स हमारे कवर होंगे ए शार्प पर। तो मोहब्बत हो गई थी, ठीक है, एफ ए शार्प। देन इसके बाद मेरा ये इश्क था दो तरफा, पूरी लाइन डी माइनर, ठीक है, मेरा ये इश्क था दो तरफा, एक तरफा हो गया, तो मेरा इश्क था दो तरफा, डी माइनर, एक तरफा हो गया, एक तरफा हो गया, तो एक तरफा पे एफ एंड हो गया पे सी, एक तरफा हो गया, रिपीट, मोहब्बत एफ भी थे दोनों को एक ए शार्प हो गया, मेरा ये डी माइनर इश्क था दो तरफा, एक एफ हो गया सी, ठीक है। तो ये हमारा कुछ रहा कोरस का कॉर्ड ब्रेक, ठीक है। तो कोरस एंड इंटर में तुम्हें दिखा चुका, अब इसके बाद दिखाता हूँ इसका स्टैंजा पार्ट। वेल काफ़ी इजी है, बट थोड़ी सी पंजाबी है जिससे मैं बहुत बार डरता हूँ, तो उस पर नज़र डाल लेते हैं। सो गाइस, नाउ कमिंग टू दी स्टैंजा पार्ट। वेल बहुत ही ईजी तो नहीं है, मतलब इसका ना स्टैंजा पार्ट में सुर ऊपर नीचे कहीं ना कहीं चलते रहते हैं। तो स्टार्टिंग हमारी चलती है एफ ए शार्प एफ सी से, तो इसको हमें कैसे गाना है, चंद भी रूठा तारे भी रूठे, एफ ए शार्प, देन एफ सी, आसमां भी मेरा न रहा, ओके। देन इसके बाद लाइंस रिपीट, कैसे, हैरान हूं मैं दिल तेरे क्यों मेरा बसेरा न रहा, ठीक है। एफ ए शार्प एफ सी के अंदर हमने इन चार लाइंस को निपटा दिया। देन इसके बाद हमारा आता है, चलो रब तो यहां पर हमारा क्या आया इन दो लाइंस के अंदर, पहला चलो रब दिए जे मंजूरी, एफ मेजर, मैनू भी कोई गिला नहीं, इसमें हमारा आया डी माइनर, ठीक है। देन इसके बाद हमारी आती है रखा सी मैं मनता मंगया, ए शार्प फॉर द कंप्लीट लाइन। देन पर क्यों तू मिला नहीं, पर क्यों तू मिला नहीं पर हमारा आएगा कंप्लीट लाइन पे सी मेजर, ठीक है। देन इसके बाद हमारा आता है नई किस्मत थी दीवानी थी, तो नई किस्मत थी एफ मेजर दीवानी थी, ए शार्प, देन एफ सी, मैं हारा जीत हुई जमाने की मोहब्बत एक अरसा, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मेरा एंड कैसे हुआ एफ ए शार्प एफ सी से ही हमारी लास्ट की दो लाइंस रैप अप हुई, कैसे, नई किस्मत थी दीवानी थी मैं हारा जीत हुई जमाने की। अब यहाँ पर तुम्हें बताऊं थोड़ा सा स्ट्रमिंग का खेल क्या है, जमाने डाउन 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 स्लाइड, मतलब जो भी हमारा आगे का, मोहब्बत हो गए थे दोनों को एक अरसा हो गया, तो वो वाला पार्ट हमारा कैसे कवर हुआ, यहाँ पे जमाने की मोहब्बत थी दोनों को एक अरसा हो गया, मतलब ये पार्ट मैंडेटरी नहीं है, वेल एक छोटी सी वेरिएशन अगर तुम इसको करना चाहो, तो यहाँ पे मैंने क्या करा था, बेसिकली डाउन 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 स्लाइड
मोहब्बत थी हुई थी दोनों को एक अरसा हो गया, मतलब जो भी आगे लिरिक्स हैं वो सारे यहाँ से कंटिन्यूएशन में चले, बीट के अंदर मैंने इसको ध्यान रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारा, मैंने जैसे स्लाइड दिया तो ये कैसे रहेगा, मैं हारा जीत हुई जमाने की मोहब्बत, तो मैंने मोहब्बत वाले वर्ड को इस स्लाइड के अंदर लिया है, मैंने कॉर्ड पे नहीं प्ले करके गाया, मैंने स्लाइड के अंदर लिया है। मोहब्बत हो गई थी, हो से हमारा आया एफ मेजर, तो मोहब्बत हो गई थी दोनों को एक अरसा हो गया, आए इश्क था दो तरफा एक तरफा हो गया। तो वही यहाँ पे क्या आ रहा, वही एफ ए शार्प डी माइनर एफ सी, ठीक है। इसी पार्ट को हमने फिर से गाया, कोरस पार्ट था क्योंकि ये, तो सेम रहेगा जैसे हमने इसको ऊपर सीखा था। सो यार गाना हमारा कुछ ऐसा ही था, बहुत ही सिंपल, बहुत ही इजी, मतलब बहुत ज़्यादा सिंपल तो नहीं। वेल एफ ए शार्प सी एंड डी माइनर को हमने इसमें मेजरली यूज़ करा है, और कोई हमने इसकी कोई बाहर से कॉर्ड नहीं आई, कोई एक्सेप्शन कॉर्ड नहीं आई कि होता है कि हाँ एक दो नोट्स के लिए कुछ चेंज हो रहा है, कुछ भी नहीं था ऐसा। स्ट्रमिंग जो मैंने आपको स्टार्टिंग में सिखा दी थी, डाउन डाउन अप 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 डाउन अप डाउन वाली, उस स्ट्रमिंग को हमने सिर्फ यूज़ करा इसके कोरस पार्ट में। अगर तुमने इसको नोटिस किया हो, सिर्फ कोरस पार्ट के अंदर वो वाली कॉर्ड हमारी यूज़ हुई, बाकी कहीं नहीं यूज़ हुई, कहीं पर लाइट स्ट्रमिंग, कहीं पर डाउन स्ट्रोक्स चली, और एक जगह जो लास्ट में था जमाने की चक स्लाइड हो गई थी दोनों को एक अरसा हो गया। तो यहां पर हमने क्या करा था, स्लाइड 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 सॉरी डाउन 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 चक स्लाइड हो गई थी दोनों को एक अरसा हो गया, कुछ ऐसा हमने फ्रेम करा इसकी एंडिंग को। तो गाना हमारा बहुत ही इजी, काफ़ी सिंपल था, ठीक है, कुछ ऐसे हॉचपॉच वाली चीज़ नहीं थी। बस स्टैंजा के अंदर एफ ए शार्प एफ सी, एफ ए शार्प एफ सी से हमने शुरू करा, देन इसके बाद हम इसका थोड़ा सा चेंज आया था बीच बीच में, क्योंकि लिरिक्स हमारे थोड़े बहुत मतलब ऊपर नीचे थे, एक फिक्स स्टैंजा नहीं था कि किसी पैटर्न में स्टैंजा नहीं था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे था। वेल बस गाना इतना ही था यार, अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब, जैसा कि मैं हर बार तुम्हें कहता हूँ, और वीडियो बेशक अच्छी लगे बेकार लगे जैसी भी लगे प्लीज़ बार रिव्यू जरूर किया करो नीचे कमेंट्स में जाकर, वहां मेरे को एक कमेंट जरूर ड्रॉप किया करो ताकि मेरे को फीडबैक मिले, मेरे को एक हेल्प हो इस वीडियो के साथ कि एक्चुअली आई एम इंप्रूविंग और नॉट। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो टुडे गाइस, मिलता हूं तुमसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।